सबसे आसान सबसे सरल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये मोतीचूर के लड्डू आप लोगों को बेहद पसंद आने वाले हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना बेसन बिना झारे के। इसे बनाना बहुत ही आसान है गाइस, जितना खाने में टेस्टी लगता है ना उतना ही बनाने में आसानी होता है गाइस। कोई भी बिगनर इसे बना सकती हैं और एक एक दाने बिल्कुल लगेंगे जैसे मोतीचूर के लड्डू। जैसे मार्केट से हम लोग मोतीचूर के लड्डू लाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। तो सबसे पहले लेते हैं मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1 कप चने की दाल। जी हाँ, चने की दाल से मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे, बहुत ही परफेक्ट बनेगा गाइस। अब दाल को हमें 4-5 पानी से बढ़िया से धुल लेना है। तो लीजिए, मैंने 4-5 पानी से बढ़िया से धुल लिया। इसमें पानी डाल के हमें 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। अब ढक के इसे 5 घंटे के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो लीजिए, 5 घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। दाल की क्वांटिटी दुगनी हो चुकी है। इसे तोड़ रहे हैं ना तो बहुत ही आसानी से टूट रहा है, यानी कि दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब दाल का पानी हमें निकाल के धुल लेना है, इसका सारा पानी हमें छान लेना है। अब दाल को हम साइड में रख देते हैं। लेते हैं ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार में हमें थोड़ा थोड़ा दाल को डालेंगे और थोड़े थोड़े दाल को हम पीसेंगे। इकट्ठा आप दाल डाल के पीसेंगे ना तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके दाल रह जाएंगे और बढ़िया से दरदरा सा पेस्ट नहीं बनेगा। तो ये आपको रुक रुक के पीसना है। जितना रुक रुक के पीसेंगे ना तो दाल आपका एकदम बिल्कुल बारीक भी नहीं होगा और दरदरा सा पीस जाएगा। तो लीजिए, मैंने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं मिक्सिंग बाउल में। मिक्सिंग बाउल लेते हैं। मिक्सिंग बाउल में सारे पेस्ट को इसी तरह से हमें तैयार करना है, बिल्कुल दरदरा सा हमें पेस्ट को तैयार करना है। तो इसी तरह से हम उस दाल को भी पीस लेते हैं। तो लीजिए, मैंने दाल को पीस लिया है, कुछ इस तरह से दरदरा मैंने पीसा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर लेंगे हाथों पर और इसके बड़े बनाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी अनचाहा शेप दे सकते हो, जो मन करे आप वही शेप दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप राउंड शेप करते हुए बड़े को बनाइए, क्योंकि इसे हमें खाना नहीं है, इसे पीसना है। तो अब सारे हमें बड़े को इसी तरह से बना लेना है। तो जैसा आप मन करे वैसा बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, बस यही चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लेगा सीखने में। तो सारे बड़े को इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो लीजिए, मैंने जितने भी बड़े थे मैंने तैयार कर लिए हैं। कुछ बड़े मैं बनाती जाऊँगी, फ्राई करती जाऊँगी। तो इतना तो मैंने बड़ा बना लिया है, जो मैंने प्लेट में रखा है इतना मैंने बना लिया। बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन रखा है। इसमें हमने डाला है 1/2 कप देसी घी, और ये चॉइस आपकी है। देसी घी में फ्राई करना चाहते हो तो देसी घी लीजिए, वनस्पति में फ्राई करना चाहते हो तो वनस्पति लीजिए, नहीं तो रिफाइंड में फ्राई करना चाहते हो तो रिफाइंड ऑयल लीजिए। चॉइस आपकी है, लेकिन देसी घी का जो लड्डू होता है ना गाइस, बहुत ही टेस्टी देता है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर 1/4 कप के करीब देसी घी ले रहे हो ना 1 कप के चने के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि घी वैसे ही बच गया था हमारा। तो हम आपको अंदाज़ा बता दे रहे हैं, 1 कप में 1/4 कप के करीब देसी घी डालेंगे, उसमें भी बच सकता है आपका। तो सारे बड़े को हमें धीमी आंच पे पकाना है, यानी कि मीडियम आंच पे हमें बढ़िया से पका लेना है। ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम अगर हाई होगा ना तो क्या होगा, आपका बड़े जो हैं ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से क्या होगा, अंदर से सिक नहीं पाएगा। जितनी धीमी आंच पे इसे सेकेंगे ना उतनी ही टेस्टी आपके ये बड़े बनकर तैयार होंगे। तो हमें अंदर से कच्चा नहीं रखना है, बिल्कुल अंदर से कुरकुरी होनी चाहिए। तो अब फ्राई अच्छे से हो चुका है, अब सारे बड़े को हमें निकाल लेना है। बातों बातों में हमारे जो बड़े हैं अच्छे से खासे हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमें सारे बड़े को फ्राई कर लेना है। आप बड़े का कलर देख सकते हो, बहुत ही लाइट कलर आया है। तो इसी तरह से सारे बड़े को हमें बना लेना है। इसकी लड्डू इतनी टेस्टी लगेगी गाइस, जो भी खाएगा ना बिलीव नहीं कर पाएगा कि मोतीचूर के लड्डू हैं या तो आप चने की दाल से लड्डू बनाए हैं। बहुत ही परफेक्ट बनेंगे मोतीचूर के लड्डू। इसी तरह से आपका जब भी मन करेगा लड्डू खाना ना, तो इसी तरह से आप बनाएंगे। एक बार आप बना लोगे ना तो खुद यकीन हो जाएगा कि कितना आसान है ये मोतीचूर के लड्डू बनाना। तो सारे बड़े को मैंने तैयार कर लिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तब आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो बड़े हैं बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसे 2-2, 3-3 भागों में टुकड़े कर लेते हैं, यानी 2 से 3 टुकड़े हम कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये बढ़िया से पीस जाएंगे और बिल्कुल फाइन, और हमें नहीं करना है दरदरा सा, हमें पाउडर इसका तैयार करना है। तो इस तरह से आप तोड़े रहेंगे ना, बहुत ही दरदरा आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, मैंने सारे बड़े को तोड़ लिए हैं। अब लेते हैं ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार में थोड़े थोड़े टुकड़ों को डाल के पीसना है, इकट्ठा हमें डाल के पीसना नहीं है। ध्यान रखिएगा कि हमें थोड़ा थोड़ा डाल के बड़े को पीसना है। तो बड़े को मैंने डाल दिया, ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, बहुत ही दरदरा मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसी तरह से सारे बड़े का पाउडर हमें तैयार कर लेना है।
ये देख सकते हो बहुत ही भरभरा, जैसे मैं गिरा रही हूँ तो बिल्कुल दानेदार हमारे ये पाउडर लग रहे हैं। तो सारे हमें जितने भी बड़े हैं हमारे, इसी तरह से हमें दाल को पीसना है। बिल्कुल हमें दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है, दरदरा सा पीसना है। तो लीजिए, सारे पाउडर को मैंने तैयार कर लिया है, जितने भी बड़े के मैंने पाउडर तैयार किए थे सारे प्लेट में मैंने निकाल लिया है। और कुछ इस तरह से लग रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट हमारा ये पाउडर तैयार है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने वही वापस से कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने फ्राई किया था। सारे घी को मैंने निकाल लिया है, जो घी बचा हुआ था मैंने घी को निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी, साथ में हम डालेंगे आधा कप पानी। यहाँ पर मैंने एक कप चीनी लिया है तो आधा कप पानी डालेंगे, और चीनी और पानी को अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, यानी कि चीनी को अच्छे से घुला लेना है। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम थोड़ी से फ्रूट कलर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रूट कलर डाल रही हूँ, थोड़ी सी बाजार जैसे लुक दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो थोड़े से फ्रूट कलर से क्या होता है कि लड्डू का जो कलर होता है बहुत ही अच्छा आ जाता है गाइस। तो कलर डालने के बाद इसे हमें बढ़िया से पका लेना है। हमें इतना पकाना है कि इसे हमें एक दो तार की चाशनी नहीं बनाना है, केवल चिपचिपी चाशनी जैसी होती है, जैसे कि तार बन रहा है टूट रहा है, बस ऐसे ही हमें चाशनी तैयार करना है। यानी मैं देख रही हूँ तो ये हमारी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, नहीं तो क्या होगा, एक तार की चाशनी बन जाएगी। तो फटाफट हम इसमें इलायची का पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब डाला है, आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने नींबू का रस भी डाला है। गैस कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है लेकिन मैंने नींबू का रस भी ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच। अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, और चाशनी में जो मैंने मिक्सर तैयार किया था, पाउडर जो मैंने तैयार किया था, इसे हमें डाल देना है। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद होना चाहिए, और बंद गैस पे हमें मिक्सर को मिलाना है चाशनी के साथ। तो सारे पाउडर को हम पहले चाशनी में डाल देते हैं, और एक एक दाने लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मोतीचूर के होते हैं गैस, बिल्कुल वैसे ही लगने वाले हैं। और सारे मिक्सर को हमें बढ़िया से चाशनी में मिक्स कर लेना है। पहले हमें बढ़िया से मिला लेना है ताकि हमारी जो चाशनी है पाउडर अच्छे से पी ले, यानी जो हमारे दरदरा जो पाउडर मैंने चने के बनाए थे ये अच्छे खासे पी लेगा, तभी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से चाशनी पी चुका है, देख सकते हो। तो इसे ही उलटते पलटते हमें मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर कर लेंगे गैस का फ्लेम ऑन। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि गैस जैसे ही ऑन होगा तो आप लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर इसे हमें बढ़िया से एक मिनट तक पकाना है, केवल एक मिनट तक बढ़िया से हम पकाएँगे। इस तरह से हम उलटते पलटते हम चाशनी को और मिक्सर को अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो हमारी चाशनी है इसमें अच्छी खासी मिल जाए और पक जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। जब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे तो फटाफट हम लीड लगा देंगे इसके ऊपर, और लीड लगाने के बाद हम 15 मिनट के बाद आप लोगों से मिलते हैं। इस तरह से आप 15 मिनट के लिए लीड लगा दीजिए। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हो चाशनी जो है हमारी, जो पाउडर थी अच्छी खासी पी चुकी है, जो बड़े का जो पाउडर था मैंने वो अच्छा खासा मिक्सर पी चुका है, और बिल्कुल अब इस समय बूंदी जैसे लग रहे हैं। बूंदी के जब लड्डू हम लोग बांधते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहा है गैस, कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि बूंदी नहीं है, ऐसा लगेगा बूंदी के लड्डू मैं खा रही हूँ। और एक एक बूंदी जैसे ये लड्डू हमारे तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी भी बनी थी गैस, ना ज़्यादा ना कम, ना बहुत ज़्यादा गीला, जैसे लड्डू होते हैं मोतीचूर के, बस वैसी तरह से। अब सारे लड्डू को हमें इसी तरह से बना लेना है गाइस, और बहुत ही टेस्टी लगेगी गाइस। एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, इस रक्षाबंधन पे आप ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये लड्डू आपकी कैसी बनी है। कम मेहनत लगता है गाइस, और बहुत ही टेस्टी आपकी लड्डू घर पर बन जाएगी। गाइस रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।